में बैठी आंगन में महिला हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। हर दो मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, चेन छीनी जा रही है। आपके अजमेर शहर में भी एक विभत्स घटना हुई थी थोड़े दिन पहले, और मैं ये नहीं कहती कि घटनाएं हमारे ज़माने में नहीं होती थी घटना। उन्होंने जो आज ट्वीट किया और उन्होंने जो पत्र लिखा, वो सब आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बहुत ही दुखदाई है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में आते हम लोग उनका इस्तीफा मांगते, और मेरे ख्याल से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग सब मांग कर रहे हैं। और महिलाओं को लेकर उनकी पार्टी की ही महिला प्रवक्ता और जो महागठबंधन के उनके सहयोगी आजम खान और जाने क्या कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो मैं आप लोग के सामने शेयर भी नहीं कर सकती, तो उसके बाद कुछ रह जाता है क्या? ये इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र की आप और हम दोनों समाज के तो प्रमुख अंग हैं, और मीडिया के माध्यम तक से लोगों तक खबरें पहुंचती हैं। उसी त्वरित कार्रवाई का परिणाम, क्योंकि मैं तो आयोग की चेयरपर्सन रही थी, पर मैं देखती थी कि हम लोग 24 आवर्स में चालान भी पेश करवाते थे, कोर्ट में भी होते थे और निर्णय भी होते थे, और सख्त कह दिया था उन महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार। और अभी सांचौर में जस्ट अगर आप लोगों को ध्यान हो, सांचौर में एक महिला कांस्टेबल प्रताड़ित होकर आत्महत्या करती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? महिला कांस्टेबल की चेन लूट जाती है जयपुर सरेआम चलते हुए, और इस प्रकार के अनगिनत घटनाएं, चाहे सांचौर हो चाहे किशनगंज चुकी है। उस आकांक्षा को परिवर्तित करने का समय है। मूलभूत आवश्यकताओं के पश्चात आज हम सब विकास की ओर आगे बढ़ने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो सबका साथ सबका विकास को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी चली है, तो उस पर हम सब आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये झूठ का अंत अब बहुत करीब है। बाकी बात हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, श्री बात करना चाहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया, वो सादगी कहीं नज़र नहीं आती है। महिलाओं और बच्चियों की जो हालत है, और अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पॉक्सो कानून आया, उसी कानून के तहत भी दंड समय पर मिल जाए तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, उन बच्चियों की रक्षा हो सकेगी। माहौल तो ऐसा बन गया है कि अपराधियों में विश्वास है और आम जन भी हैं। इसे खत्म करना होगा, और आप सबके माध्यम से हमें इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। 25 की 25 सीटें हम प्रदेश में लेकर आने वाले हैं, लेकिन सच के साथ इस झूठ को खात्मा करें। आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सब सच को आगे लाएं, इस झूठ को खत्म करें। जब तक तथ्य और प्रमाणों के साथ में कोई बात नहीं आए, उसको ना ही प्रकाशित करें ना ही चलाएं, क्योंकि संपूर्णता में बल है, सत्य में बल है, असत्य पर आसू। जी मैम, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, ऐसे अशोक गहलोत जी ने, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति जी पर जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये पूरे कोली समाज, जो पूरा हिंदुस्तान भर में, उनको बहुत दुख हुआ है ये बात को सुनकर के। दलित होने के नाते से उनको ये पद दिया गया है, ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है जो बहुत ही गलत है, जो बहुत ही संवैधानिक पद का एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। अशोक गहलोत जी ये कहकर के क्या साबित करना चाहते हैं? जब बीजेपी कुछ अच्छा करती है तो कांग्रेस के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक किया नहीं है। कांग्रेस ने दलितों के लिए सिर्फ वोट मांगा है, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, और ये अशोक गहलोत जी की टिप्पणी ये साबित करती है। इसलिए अशोक गहलोत जी से पूरा दलित समाज इस्तीफा मांगता है। कोली समाज इस चुनाव में अशोक गहलोत की इस टिप्पणी का जवाब जरूर देने वाला है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब दलित समाज के बारे में कोई बात होने वाली है, तो अशोक गहलोत जी से ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि आपने जब भी इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की थी, तो क्या आपने दलित देख करके की थी? क्या योग्यता नहीं होती है? क्या दलितों में योग्यता नहीं होती है? क्या दलित इस लायक नहीं होते कि उन्हें इस देश का सर्वोच्च पद मिल सके? ये कहकर के उन्होंने क्या साबित किया है कि दलितों के बारे में उनके मन में जो हीन भावना होती है, वो आज उन्होंने उजागर की है। हम सब इस बात की भर्त्सना करते हैं, और अम्बेडकर जी के विचारों को आगे पहुँचाने के लिए जो अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने किया है, वो जन जन अब जान चुका है। इसलिए कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे कि दलितों का वोट उनको मिलने वाला है, अब दलितों का वोट उनको नहीं मिलने वाला है, और इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है। आज अजमेर आए हैं, क्या मकसद आए हैं, किस
देखिए, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था कि चुनाव की समर है ये, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज हम लोग अजमेर आना था तो इच्छा थी कि आप लोग से मिलना जुलना हो जाए और बातचीत हो जाए। और जो स्थिति राजस्थान में इन 4 महीनों में बना है उसको लेके आधी आबादी बहुत उद्वेलित है। हम गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, पिक्चर हॉल, घर कहीं भी जाते हैं वहाँ महिलाएं हमें सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। 2 महीने की बेटी से लेके 50 साल तक की महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। और इस कांग्रेस की सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उस सुरक्षा की पोल खुल गई है। राजधानी से लेके गाँव की ढाणी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है। तो फिर हम सब से केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आम महिला के नाते ये सवाल राजस्थान में उठ रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब कुछ तो बोलिए, हमारी बहन बेटियों के लिए कुछ तो बोलिए, गृह मंत्रालय के मालिक भी वही हैं, एक्शन में आइए। हमने तो नाबालिग बच्चियों के बलात्कार पर इतना सख्त कानून बना के राजस्थान ने नज़ीर पेश किया था और पहला राज्य बन गया था देश का जहां हम फांसी के फंदे तक ले गए थे। पर आपके यहां तो ना चालान पेश हो रहा है ना FIR हो रहा है। आज ही आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से झालावाड़ में एक व्यक्ति आया और उसके छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया गया। थाने थाने दर बदर हो रहा है पर उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। तो थाने की हालत, आपके सरकार की हालत और पूरे प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, अनीता जी कह रही थी कि अजमेर में पानी नहीं आ रहा है, 5 दिन अजमेर में पानी नहीं आ रहा है, तो जनता तो पूछेगी ही। और ये सवाल लाजमी है कि हम लोग करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आप लोगों से रूबरू हुई थी कि राजस्थान में वो वातावरण लौटाइए। 2013 में जब हम शासन में आए थे तो राजस्थान में महिला एट्रोसिटीज़ पे राजस्थान नंबर 2 पे था, और जब हमने बागडोर संभाली, हमारी मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली, तो राजस्थान को अभी छोड़ते हुए हम लोगों ने नंबर 5 पे लाए थे। और आज राजस्थान उसी तेज गति से नीचे की ओर आके नंबर 2 पे पहुंचने वाला है। प्रति मिनट बलात्कार हो रहा है, प्रति सेकंड हत्या हो रही है, लूटपाट हो रहा है। इसके लिए उनसे जवाब मांगता है भारतीय जनता पार्टी, जवाब मांगती है पूरे राजस्थान की आधी आबादी, जवाब मांगती है। थैंक यू।